अभी मेरा फ़ोन इसलिए अचानक बंद हो चुका है ना, क्योंकि वेरी हीट हो गया था, इसलिए मैंने पाउच खरीदा और पाउच को दोनों ऐसे तरफ सटा दिया था, इसलिए मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। इमरजेंसी कॉल भी बस लगने वाले थे अभी। और फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं सतीश मार्ग और सामने रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो चलो चलते हैं। ये रहा सतीश मार्ग। अरे मैं कहीं गलत जगह तो नहीं घुस गया? मुझे लगता है उस साइड से आना पड़ेगा। आगे से गेट है यार, नहीं नहीं अंदर से है। ओके, वरना मैं तो पहुंच गया होता यहाँ। फिलहाल अच्छी जगह है। वैसे मैं शीशे में कैसे लग रहा हूँ यार, देखो तो। वाह, ठीक ही लग रहा हूँ फिलहाल। शहीद स्मारक चौरी चौरा संग्रहालय, वेरी कूल। ये रहा शहीद स्मारक, अभी बन रहा है। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे तो रिपेयरिंग भी चल रहा है। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे आना थोड़ा सा वेस्ट होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि ये बंद होगा, तो फाइनली ये बंद नहीं था, ऐसा खुला हुआ था। वैसे भी इस तड़कती धूप में, वेरी भयंकर गर्मी में यहाँ पे आना मेरे लिए बहुत ही मशक्क़त का काम था। बस देखना था कुछ है कि नहीं यहाँ पे। हाँ देखना था ऊपर से। तो गाइस अभी परमिशन मिल चुका अंदर जाने का। हाँ ठीक है, तो ऊपर भी चलना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि यहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए इस पानी का बोतल लेने का यही पर्पस था ना, कि फ़िलहाल ये जो मेरा फ़ोन है ना वो कूल हो सके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। वाव, डेंजर जगह। मैं पहुंच गया फिलहाल यहाँ पे रियल हीरोज़ के पास, और मेरे सबसे फेवरेट हीरो यहाँ पे हैं उस साइड। तो फिलहाल अभी अंदर चलते देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सूज निकालना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी हो यार मेरे हीरोज़ हैं ये सब, आई मीन सबके हीरोज़ हैं। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ अंदर, और यहाँ पर देखो बड़ा अच्छा नज़ारा है यार। फिलहाल तो ये लंबा है, कुछ ज़्यादा ही लंबा है, तो इस पढ़ लेता हूँ फिर उसके बाद से देखते हुए। तो गाइस यहाँ पे आने का कोई चार्ज नहीं था, और मैं जिस रियल हीरो के बारे में बात कर रहा था वो मेरे पीछे यहाँ पे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो मुझे ये इतिहास में और मॉडर्न इंडिया में सबसे फेवरेट हीरो है मेरे। ठीक है, और इसके अलावा भी भगत सिंह भी हैं, तो सरदार भगत सिंह ये रहे। तो गाइस यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि मैं बार बार एक ही जगह पे आ रहा हूँ। फिलहाल तो मेरा चिप्स भी टूट गया है, क्योंकि पीछे जेब में पड़ा हुआ है, और फिलहाल ये भी ठंडा से अब गर्म हो रहा है। तो गाइस अभी मैंने देख चुका है, और मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है ना कि मेरे फ़ोन के लिए ये ठंडा वाटर हर जगह रहना चाहिए, तो क्योंकि यार इसी से ठंडा मुझे राहत मिल रहा है, मेरे फ़ोन को राहत मिल रहा है। फिलहाल अभी चलते हैं सतीश मार्ग का टूर करने। तो गाइस इतनी धूप में और यहाँ पर घूमना मेरे बस का है क्योंकि मैं घूम सकता हूँ, क्योंकि मैं आदमी नहीं हूँ, भूत हूँ, भूत। सो गाइस और लोग यहाँ पे चढ़ के पूरा काम कर रहे हैं, कितने हिम्मती लोग हैं यहाँ पे, तेजस्वी लोग हैं, मानना पड़ेगा। गाइस ये पानी भी गर्म हो चुका है, और ऐसा लग रहा है कि अब मुझे ट्रेन से जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेन से जाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो देखते हैं ट्रेन मिलती है कि नहीं मिलती है। गाइस यहाँ पे सामने स्टेशन, हम लोग ये रहा सामने स्टेशन, और स्टेशन से ही सीधे मार देते हैं, सीधे शॉर्टकट मारते हैं गाइस। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गोरखपुर के लिए ट्रेन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ऐसे टाइम पे मैं आ चुका हूँ, यहाँ कुछ आराम राहत मिल रहा है। रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इस पुल पे चढ़ के मैं जाता हुआ, और यहाँ से कुछ पटरी का नज़ारा अलग ही है, और इस कड़क धूप में ये पानी, और प्लस अरे मैं तो यार अपना वो नहीं खाया इसको। तो गाइस गोरखपुर के लिए ट्रेन मिली नहीं, और मुझे लगता है मोटर से ही जाना पड़ेगा। तो गाइस फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना गाइस।